और भाई, क्या हालचाल है आपके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज करें विद इन अ सेकेंड, वो भी अपने मोबाइल से। आपको किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजी ट्रिक है। कम टाइम में अच्छी क्वालिटी के साथ आप अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं डेली बेसिस पर इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोटो कैसे इरेज करना है। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं जाता हूँ क्रोम पर, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक किया और मैंने क्रोम को ओपन कर लिया, ठीक है। ये मेरा क्रोम ओपन हो चुका है। अब मुझे एक वेबसाइट यहाँ पर टाइप करनी है, जिस वेबसाइट से मुझे अपना फ़ोटो इरेज करना है, फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे। उस वेबसाइट का नाम है रिमूव, मैं यहाँ से टाइप करता हूँ remove.bg, ठीक है। ओके करता हूँ, ये वेबसाइट यहाँ से ओपन हो रही है। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी। इस वेबसाइट पर आपको करना क्या है, अपलोड इमेज पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो अपलोड होगा। जिस फोटो पे आप क्लिक करेंगे वो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक उस फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। अपलोड इमेज पे आपने क्लिक किया, ये मेरी गैलरी ओपन हो गई। और इस फोटो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये फोटो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस फोटो पर क्लिक किया, ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो गया और इसका बैकग्राउंड इरेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कुछ ही सेकंड में इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। ये फोटो अपलोड हुआ, अभी आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड इरेज भी हो गया, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो एकदम परफेक्ट इसका बैकग्राउंड इरेज हुआ है, ठीक है। अब ये फोटो आपको अपनी गैलरी में डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसी क्वालिटी में, जिस क्वालिटी का ये फोटो था, उसी क्वालिटी में आपकी गैलरी में ये फोटो डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको इस फोटो को फिर से एडिट करना है, एडिट मतलब इसमें कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, कोई दूसरा बैकग्राउंड या कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो इसमें ये ऑप्शन भी है। आप यहाँ क्लिक करेंगे एडिट पे, एडिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले ब्लर, ठीक है। ब्लर पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो कितना आपको ब्लर करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया, जिस बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे वो इमेज इसके बैकग्राउंड में यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, अभी एक एक करके आप चेक कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी गैलरी से कोई भी फ़ोटो लेना है और बैकग्राउंड में वो फ़ोटो मुझे यहाँ सेट करना है, तो इसमें ये ऑप्शन भी है, सिलेक्ट फ़ोटो। यहाँ पे आप क्लिक करें और अपनी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो आप लेके उसको बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको इसमें कोई सॉलिड कलर लेना है या ग्रेडियंट कलर लेना है तो आप यहाँ से बहुत सारे कलर ले सकते हैं। अभी पीछे जो इमेज थी, अभी यहाँ पीछे कलर आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपको जैसा चाहें आप वो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपको सिर्फ फ़ोटो चाहिए, उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, अगर आपको वीडियो में होता है ना कई बार आपको PNG फ़ोटो चाहिए होता है, तो आप कैसे उसको ऐड यहाँ से करेंगे। इस फोटो पे आपने क्लिक किया यहाँ से, इस बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद और यहाँ डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे डाउनलोड, ये फ़ोटो सीधा आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका PNG फॉर्मेट आपकी गैलरी में यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से बैक जाके आप कोई भी फ़ोटो, अभी मैंने एडिट करके दिखाया था, अगर आपको एडिट नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सिंपली यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यह फ़ोटो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।